हे गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने जैसा कि थंबनेल में देख के आप आए होंगे कि आज का जो है फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको सिखाएंगे उस तरीके से कि अगर फ़ोटो में लाइट भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम हीरो जैसी फ़ोटोज आपको मैं दिखाऊंगा बना के। तो गाइस, यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट रूम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लाइट रूम, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको जो है वो लॉगिन वगैरह कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि ये वाला फोटो है, इसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा अभी। जैसे यहाँ से इसको शेयर कर लेंगे गाइस, यहाँ से हम लाइट रूम के अंदर इसको शेयर करते हैं। और याद रहे गाइस, ये ऑनलाइन बनती है तो नेट जो है रहनी चाहिए, नेट ऑन रहनी चाहिए गाइस। यहाँ पे हमारा जो है ये लोडिंग ले रहा है, ये फिनिश्ड हुआ। अब इस पर क्लिक करके डायरेक्ट में लाइट रूम के अंदर आ जाना है। ऑल फोटोज, वो वाला फोटो आया कहाँ पे, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, ये पूरा लाइट कम वाला है। सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक ऑटो का, ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपको थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ गया। अब इसमें लाइट में आ जाना है। लाइट में आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको बढ़ा लेना है गाइस आगे की ओर। देख सकते हो गाइस, हमारी फ़ोटो ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई है। इतनी कर लेना गाइस, कॉन्ट्रास्ट को अपने हिसाब से सेट कर लेना है और हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर लेना गाइस। और ये वाइट ज़्यादा है तो वाइट को हमें कम कर लेना है। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, ब्लैक को भी हल्का कम करके रखना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको कलर में आ जाना है। कलर में आने के बाद क्या करना है आपको, मिक्स में जाना है और ये जो येलो वाला सेकंड में जो ऑप्शन है इसमें सैचुरेशन को जो है लो करना है। यहाँ पे हम 20 तक रख लेते हैं। उसके बाद लुमिनेंस जो है गाइस थर्ड नंबर वाला ऑप्शन, उसको बढ़ा लेना है। देख सकते हो गाइस, ये देखो फेस पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसको हम 60 के अराउंड रख लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें बैकग्राउंड भी एडिट करना है, तो बैकग्राउंड भी एडिट हमारा हो रहा है। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जैसा बैकग्राउंड हमें चाहिए वैसा बैकग्राउंड हमें यहाँ से ले लेना है गाइस। यहाँ पे जैसे कि थंबनेल में थोड़ा ग्रीन है, यहाँ पे मैं थोड़ा वो कर दे रहा हूँ। जींस का कलर देख सकते हो, जींस और जूता दोनों ब्लू है तो ब्लू वाला यहाँ से हम बढ़ा दें। उसके बाद गाइस ये शर्ट का कलर चेंज करना है, जैसा कलर है वहाँ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो गाइस। यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा अलग लुक हो गई फ़ोटो की। यहाँ पे मैं आपको कंपेयर इसके दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो गाइस इस फ़ोटो और इस फ़ोटो में कितना ज़्यादा अंतर हो गई है गाइस। उसके बाद गाइस ये जो फेस की जो एडिट होती है गाइस, इसको पूरा मैं स्मूथ कर दूँगा। उसकी भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फेस की भी पूरा एडिट समझाऊंगा एक एक तरीके से आराम से, और फोटो नॉर्मल क्वालिटी की भी रहेगी तो वो HD के जैसा रहेगा और फटेगा नहीं गाइस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। हमें ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि हमें वीडियोज़ बनाने में खुशी मिले गाइस, आप लोगों का सपोर्ट देख के। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।